हेलो स्टूडेंट्स, मैक ऑनलाइन लेक्चर्स पर फ्लूइड मैकेनिक्स में लेक्चर नंबर 10 आज आपके लिए लेकर आया हूं। और आज हम शुरू करने वाले हैं फ्लूइड स्टैटिक्स, और जिसमें मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आ रहा हूं पास्कल्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फंडामेंटल इन फ्लूइड स्टैटिक्स पास्कल्स लॉ, आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास सपोज एक लिक्विड है, एवरीवेयर वी हैव लिक्विड। ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन दिखा रखा है, ये कोई लिक्विड है, और उसी लिक्विड में हमने क्या किया, एक उस लिक्विड का एलिमेंट कंसिडर कर है। और वो एलिमेंट की शेप कैसी है, ट्रायंगुलर शेप है। देखिए, ये जो ब्लू में आपको नजर आ रहा है, ब्लू कलर में, ये आपको ट्रायंगुलर एलिमेंट ही दिखाया गया है, जिसका क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर है। देखिए, अगर हम इसको कार्टेशियन फ्रेम में रख देते हैं, यानी एक्स वाई जेड कार्टेशियन फ्रेम में रखते हैं, कुछ इस तरह से कि ये ओरिजिन पॉइंट है फ्रेम का, और ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में जो एलिमेंट की डायमेंशन है वो है डीएक्स। ये एक्स डायरेक्शन में एलिमेंट की डायमेंशन क्या है, डीएक्स। ऐसे ही ये वाई डायरेक्शन है, तो वाई डायरेक्शन में एलिमेंट की डायमेंशन है dy, और ये जेड डायरेक्शन है, द डायमेंशन ऑफ दिस एलिमेंट इन जेड डायरेक्शन इज dz। ये हमने सपोज कर लिया। मैं दोबारा से बता देता हूं, ये जो हमने एलिमेंट लिया है, ये किस चीज का है, ये फ्लूइड का एलिमेंट है, लिक्विड का ही एलिमेंट है। अगर ये हमने कोई पर्टिकुलर लिक्विड लिया है, तो उसी लिक्विड का ये मैंने एक एलिमेंट उसी के अंदर कंसीडर कर लिया है। और ये लिक्विड क्या है, स्टिल है, ये स्टेशनरी है, ये मूव नहीं कर रहा, क्योंकि हम स्टैटिक्स में जा चुके हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स डिस्कस करने वाले हैं आज। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पास्कल्स लॉ। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं, क्योंकि फ्लूइड मूव नहीं कर रहा, ध्यान से सुनिए मेरी बात, फ्लूइड मूव नहीं कर रहा, तो यहां पर du / dy क्या बनेगा, जीरो बनेगा, क्योंकि du क्या है, वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड। जब फ्लूइड ही रुका हुआ है, तो सारी लेयर्स रुकी हुई हैं, अगर हर लेयर रुकी हुई है, तो उन दोनों में रिस्पेक्टिव वेलोसिटी का जो चेंज है, डिफरेंस है, वो कितना है, वो जीरो है। दैट मींस du / dy इज जीरो। अगर du by dy is zero, then tau is equal to mu du by dy, जो Newton's law of viscosity आपको याद होगा, tau is equal to mu du by dy, देखिए tau is equal to mu du by dy, तो अगर du जीरो है, इट मींस tau इज जीरो। तो यहां पे शियर स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस की वजह से लगने वाले फोर्सेस, उनका कुछ भी यहां पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है एनालिसिस में। यहां पर इस एलिमेंट में हमने एक एंगल लिया है थीटा, ये जो ट्रायंगुलर सेक्शन में यहां का एंगल बन रहा है, उसको मैंने थीटा लिख दिया। तो यहां का ये जो सरफेस आपको नजर आ रहा है, इंक्लाइंड सरफेस, इसकी भी जो डायमेंशन बन रही है, उसको हम सपोज लिख देते हैं डी एस। अब हम क्या करते हैं, इसके अलग अलग जो सरफेस हमारे पास मिल रहे हैं, उन सभी सरफेसेस को हम नाम दे देते हैं, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे हम नाम दे देते हैं। देखिए कैसे, तो हमने नाम दिया, देखिए 0 या O, 1 2 3 4 5। तो अब इसमें से हमारे पास कुछ सरफेसेस आ रहे हैं, वो कैसे, O 1 2 3 O, देखिए O 1 2 3 O, ये हमारे पास एक सरफेस आ रहा है, O 1 2 3 O, ठीक है। इसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, प्रेशर फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ठीक है, और सरफेस की तरफ होता है ना। तो यहां पर प्रेशर फोर्स अगर आप वेक्टर बनाना चाहते हो, वो किस तरफ बनेगा, इस तरह से बनेगा वो, दिस वे। सो प्रेशर फोर्स लगेगा इस सरफेस के ऊपर इस डायरेक्शन में, यानी एक्स डायरेक्शन में। तो यहां पर जो प्रेशर लग रहा है, उसको हम नाम दे रहे हैं पी एक्स, क्योंकि वो एक्स डायरेक्शन में है। ध्यान दीजिए, 0 1 2 3 0 0 1 2 3 0, इस सरफेस के ऊपर पी एक्स प्रेशर लग रहा है, पी एक्स प्रेशर लग रहा है, ठीक है। दूसरा हमारे पास यहां पर सरफेस बन रहा है 0 3 4 5 0, ये जो बेस वाला है 0 3 4 5 0, तो इसके ऊपर प्रेशर लगेगा इस डायरेक्शन में, तो क्योंकि वो वाई डायरेक्शन के अलोंग है, इसलिए उसको हम नाम दे देते हैं पी वाई। यहां पर पी वाई प्रेशर लग रहा है नीचे से। अब ये प्रेशर लग क्यों रहा है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि ये फ्लूइड एलिमेंट सराउंडेड है किससे, अगल बगल में इसके आसपास में जो फ्लूइड है उससे, तो आसपास में जो फ्लूइड है वही इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, ठीक है ना। यहां जो फ्लूइड एलिमेंट्स हैं इधर वाले, वो इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, इसके नीचे जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। हमने सरफेस कंसिडर किया, एक लेमिना कंसिडर किया फ्लूइड पार्टिकल्स का, तो उसके ऊपर नीचे से प्रेशर लगेगा, वो पी वाई है। ऐसे ही हमारे पास एक सरफेस है 1 2 4 5 and 1 1 2 4 5 and 1, तो ये डी एस लेंथ वाला सरफेस है थीटा एंगल के ऊपर, तो यहां पर परपेंडिकुलर फोर्स
आप प्रेशर की वजह से इस तरह से दिखा सकते हो, क्योंकि वो हमेशा नॉर्मल ही होता है सरफेस के ऊपर, ये आप जानते हो। तो यहां पर पी थीटा हम उसको लिख देते हैं, प्रेशर जो लग रहा है थीटा एंगल वाले सरफेस के ऊपर। सो दिस इज एसोसिएटेड विद पी थीटा प्रेशर। इस प्रकार से तीन प्रेशर हमारे पास है, पी एक्स, पी वाई एंड पी थीटा, जो अभी हम कंसिडर कर रहे हैं। पी जेड भी होगा नेचुरली। ओके, तो सबसे पहले अब हम देखते हैं प्रेशर फोर्सेस ऑन वेरियस सर्फेसिस। यहां पर प्रेशर फोर्स ऑन सरफेस 0, 1, 2, 3, 0 पर सबसे पहले देखते हैं 0, 1, 2, 3, 0, ये वाला सर्फेस जो आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है पी एक्स। तो प्रेशर पी एक्स की वजह से लगने वाला फोर्स कितना है? फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स निकालना है तो प्रेशर इनटू एरिया हो जाता है। तो पी एक्स प्रेशर लग रहा है इस सरफेस के ऊपर, और इस सरफेस का एरिया कितना है जिसके ऊपर ये प्रेशर लग रहा है, उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा फोर्स। सो पी एक्स इंटू एरिया ऑफ दिस सरफेस, एरिया कितना है देखिए, डी वाई इंटू डी जेड। ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन आपके पास नजर आ रहा है, डी वाई और डी जेड इसकी डायमेंशन है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एरिया आ जाएगा। सो पी एक्स इंटू डी वाई डी जेड, ये बनता है इसके ऊपर फोर्स। तो हम लिख देते हैं पी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, प्रेशर फोर्स ऑन दिस सरफेस इज पी एक्स डी वाई डी जेड, राइट। अब दूसरा प्रेशर फोर्स ऑन सरफेस 0, 3, 4, 5, 0, 0, 3, 4, 5, 0, यानी ये बेस वाला सरफेस आपको नजर आ रहा है, ये वाला, इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है पी वाई, पी वाई प्रेशर लग रहा है इंटू एरिया ऑफ दिस सरफेस, एरिया कितना है, डी एक्स डायमेंशन ये है, ये वाली डायमेंशन है डी जेड, देखिए यहां से डी जेड डायमेंशन। सो डी एक्स इंटू डी जेड ये इसका एरिया हो जाएगा, और प्रेशर है पी वाई, सो पी वाई डी एक्स इंटू डी जेड, तो ये इसका प्रेशर फोर्स आ गया सरफेस के ऊपर लगने वाला। उसके बाद है सरफेस 1, 2, 4, 5, 1, 1, 2, 4, 5, 1, अब इस सरफेस के ऊपर प्रेशर इंटेंसिटी है पी थीटा, देखिए, सो पी थीटा प्रेशर इनटू एरिया ऑफ दिस सरफेस, एरिया कितना है, ये वाली डायमेंशन है डी एस और ये है डी जेड, सो डी एस इनटू डी जेड, तो इतना आ गया एरिया आपके पास, और प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया प्रेशर की वजह से लगने वाला फोर्स। ये हमने तीनों सर्फेसिस के ऊपर लिख लिया। तो अब देखिए, सिंस फ्लूड एलिमेंट इज इन इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम में एलिमेंट, कोई शक नहीं है, सो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द एलिमेंट इन एनी डायरेक्शन मस्ट बैलेंस, चाहे वो एक्स डायरेक्शन है, चाहे वाई डायरेक्शन है, चाहे जेड डायरेक्शन है, या कोई भी थीटा डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्सेज बैलेंस होने चाहिए। या इसको इस तरह से भी बोला जा सकता है कि किसी भी डायरेक्शन में लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो जीरो। अगर एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव सब काउंटर करने के बाद रिजल्टेंट फोर्स आपके पास कुछ बचता है, तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, उस तरफ मूव करेगा, मूव करने की टेंडेंसी रखेगा, ऐसे ही वाई में, जेड में, थीटा में। लेकिन क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है हर डायरेक्शन से लगने वाले फोर्सेस जो है वो बैलेंस होने जरूरी हैं, या बोल दो कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो ही होगा हर डायरेक्शन का, इस तरह से भी बोला जा सकता है। तो यहां पर एक्स वाई जेड या थीटा कोई भी डायरेक्शन क्यों ना हो, यही काम होने वाला है। हम सिर्फ दो से काम चला लेंगे, कौन कौन सी, एक्स और वाई, हम दो ही काम कर लेते हैं। एक तो एक्स डायरेक्शन में रिजोल्व करके देख लेते हैं सारे फोर्सेस को, एक वाई डायरेक्शन में देख लेते हैं, बस उसी से हमारा काम बनने वाला है। सबसे पहले एक्स डायरेक्शन के सभी फोर्सेस को देख लेते हैं, पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले कितने हैं, और उनका बैलेंस बनाकर देखते हैं, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम है, वहां से हमारे हाथ कुछ लगने वाला है। देखिए क्या, सबसे पहले इस प्रेशर फोर्स को देखिए, पी थीटा की वजह से लगने वाला प्रेशर फोर्स है पी थीटा डी एस डी जेड। देखिए ये प्रेशर फोर्स है पी थीटा डी एस डी जेड, जो कि इस सरफेस के ऊपर लग रहा है, ठीक है ना, 1, 5, 4, 2, इस सरफेस के ऊपर लगने वाला प्रेशर फोर्स पी थीटा की वजह से। अब ये क्योंकि एक इंक्लिनेशन पर लग रहा है, थीटा एंगल की इंक्लिनेशन आपको नजर आ रही है, इसको हम रिजोल्व कर सकते हैं दो डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हमारे पास एक्स और वाई जो दो डायरेक्शन है उनमें। देखिए कैसे, इस प्रेशर फोर्स के दो वेक्टर बन जाएंगे दो डायरेक्शन में, एक ये डायरेक्शन बनेगी दिस वन, और दूसरा बनेगा ये डायरेक्शन। इतना तो आपको समझ में आता होगा कैसे हम वेक्टर को रिजोल्व करते हैं। तो अब बात आती है यहां पे एंगल की। देखिए अगर ये एंगल थीटा है, तो यहां पर भी एंगल हमारे पास ये वाला थीटा बन रहा है, ये एंगल थीटा नहीं बनेगा, ये बनेगा, कैसे समझ लीजिए। देखिए ये आपको साइड नजर आ रही है डी एक्स, इसके परपेंडिकुलर
ये वाला वेक्टर नजर आ रहा है। देखो ध्यान से, ये साइड है, इसके परपेंडिकुलर ये वाला डायरेक्शन है। ऐसे ही आपके पास एक ये साइड है, ये वाली, इसके परपेंडिकुलर ये वाला वेक्टर है। तो इन दोनों में जो एंगल है वो इन दोनों में भी वही एंगल बनेगा, क्योंकि इन दोनों के परपेंडिकुलर है वो दोनों डायरेक्शन। आगे बात समझ में, फिर से देखिए, ये जो आपको साइड नजर आ रही है ये वाली, इसके परपेंडिकुलर ये लेंथ है। ऐसे ये वाली जो साइड है आपके पास, इसके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन है। तो इन दोनों में जो एंगल है वही इन दोनों में भी एंगल होगा। तो यहां थीटा है तो ये भी थीटा है। अब रिजोल्व कैसे करते हैं हम, जिस डायरेक्शन में थीटा है, एंगल है, उस डायरेक्शन में कोसाइन कंपोनेंट बनता है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट बनता है, इतना आपको पता होगा। तो यहां पर पी थीटा की वजह से लगने वाला जो फोर्स है, दैट इज पी थीटा डीएस डीजेड, डीएस डीजेड। तो इसका कौन सा कंपोनेंट बनता है, ये बनता है कोसाइन कंपोनेंट, कॉस ऑफ थीटा। ऐसे ही ये वाला जो कंपोनेंट है, दिस इज पी थीटा डीएस डीजेड साइन ऑफ थीटा। तो ये प्रेशर पी थीटा की वजह से लगने वाला फोर्स है इस डायरेक्शन में, और ये है वाई डायरेक्शन में। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए एक्स डायरेक्शन में फोर्स का बैलेंस देखते हैं। एक्स डायरेक्शन में एक तो हमारे पास फोर्स लग रहा है पी एक्स की वजह से, कौन सा, पी एक्स डी वाई डी जेड। देखिए पी एक्स इस डायरेक्शन में था, ये एक्स डायरेक्शन है, तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है आपके पास पी एक्स डी वाई डी जेड, डी वाई डी जेड। ये कौन सी डायरेक्शन में लगा, ये लगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो इसके अगेंस्ट कुछ है, ये देखिए नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, पी थीटा डी एस डी जेड साइन ऑफ थीटा। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू पी थीटा डी एस डी जेड साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। इस तरह से ये दोनों बैलेंस होने चाहिए। दिस इज इक्वल टू पी थीटा डी एस डी जेड साइन थीटा। अब इस ट्रायंगल में देखिए 3 4 2 में साइन थीटा क्या हुआ, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी कि डी वाई अपॉन डी एस, डी वाई अपॉन डी एस। देखो डी वाई अपॉन डी एस ये बनता है साइन ऑफ थीटा। तो यहां पर डी एस डी एस से कैंसिल हो रहा है, यू आर गेटिंग पी थीटा डी जेड इंटू डी y। देखिए सो दिस इज इक्वल टू नाउ पी एक्स डी वाई डी जेड। अब दोनों ही तरफ आपके पास डी वाई डी जेड, डी वाई डी जेड है, डायमेंशन है, तो ये भी आपस में कट जाएंगी, एंड फाइनली यू आर गेटिंग पी एक्स इज इक्वल टू पी थीटा। तो आपने क्या किया, सिर्फ एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस का इक्विलिब्रियम लिया, जो कि एलिमेंट के ऊपर लग रहा था, जितने भी एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस थे वहां से आपके पास पी एक्स इज इक्वल टू पी थीटा, ये चीज आपके सामने आ रही है। ठीक है जी, अब हम करेंगे वाई डायरेक्शन के फोर्सेज का इक्विलिब्रियम। तो हमने लिख लिया एक्स डायरेक्शन में पी एक्स इज इक्वल टू पी थीटा, हमें मिल गया। वाई डायरेक्शन का जब हम इक्विलिब्रियम देखते हैं फोर्सेस का, तब क्या मिलता है, वाई डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन है, देखिए यहां पे वाई है, तो यहां पर पी वाई प्रेशर लग रहा है, इसकी वजह से एक फोर्स है विच इज पी वाई डी एक्स डी जेड, ये वाला फोर्स। ठीक है जी, और एक हमारे पास ऊपर से नीचे देखो वैक्टर आ रहा है पी थीटा डी एस डी जेड कॉस ऑफ थीटा। ये दोनों ही फोर्सेज आपस में इक्वल होने चाहिए, ये फोर्स और ये फोर्स, ये ऊपर की तरफ था एक नीचे की तरफ है, और तो कुछ नहीं है ना। तो हम दोनों को इक्वलाइज करते हैं पी वाई डी एक्स डी जेड। देखिए पी वाई डी एक्स डी जेड दिस मस्ट बी इक्वल टू पी थीटा डी एस डी जेड कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। सो विच इज फर्दर इक्वल टू, देखिए पी थीटा डी एस डी जेड एंड कॉस ऑफ थीटा। नाउ इन द सेम ट्रायंगल 3 2 4, व्हाट इज कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा विल बी दिस डायमेंशन, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज डी एक्स अपॉन डी एस, डी एक्स अपॉन डी एस। देखिए डी एक्स अपॉन डी एस ये आ जाएगा कोसाइन ऑफ थीटा। तो यहां पे डी एस डी एस कैंसिल हो रहे हैं, यू आर गेटिंग पी थीटा डी जेड इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू हियर पी वाई डी एक्स इंटू डी जेड। देखिए दोनों तरफ डी एक्स डी जेड है, ये भी आपस में कट जाएंगे, एंड फाइनली वी आर गेटिंग पी वाई इज इक्वल टू पी थीटा। सो दिस इज आउटकम ऑफ द इक्वलाइजेशन ऑफ वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन। ठीक है ना, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है। अब हम क्या करते हैं, इसको भी दोबारा से यहां पे लिख देते हैं।
तो हमने क्या किया, x डायरेक्शन के लिए किया तो पी एक्स इज इक्वल टू पी थीटा मिल गया, y डायरेक्शन के लिए फोर्स इक्वलाइज किया, इक्विलिब्रियम देखा तो पी वाई इज इक्वल टू पी थीटा मिल गया। अब जरा दोनों को अब कंबाइन करके देखिए, कंबाइनिंग बोथ ऑफ दिस वी आर गेटिंग पी एक्स इज इक्वल टू पी थीटा एंड पी थीटा इज इक्वल टू पी वाई, इट मीन्स पी एक्स पी वाई के इक्वल भी हो चुका है। तो देखिए पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी थीटा, तो ये हमारे पास आ रहा है। और इनफैक्ट अगर हम इसको और जनरलाइज कर दें तो हम ये भी कह सकते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड इज इक्वल टू पी थीटा, थीटा कोई भी डायरेक्शन क्यों ना हो 360 डिग्रीज में इस एक्सप्रेशन विल होल्ड। और इसी को हम बोलते हैं पास्कल्स लॉ इन फ्लूड स्टैटिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, यही है वो पास्कल्स लॉ। इसका मतलब क्या है अब जल्दी से वो भी समझ लेते हैं। पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट इन फ्लूड एट रेस्ट इज सेम इज इक्वल इन ऑल द डायरेक्शंस। ये छोटी सी डेफिनेशन है पास्कल्स लॉ की, मैं रिपीट कर देता हूं, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट इन अ फ्लूड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस, किसी भी डायरेक्शन में आप क्यों ना लीजिए। इसका मतलब सीधा सा क्या है, देखिए ये पार्टिकल जो हमने ट्रायंगुलर शेप का बनाया, ये जानबूझ के बनाया था क्योंकि इसमें हमने थीटा क्रिएट करना था, एक एक्स वाई जेड के अलावा भी कोई जनरल डायरेक्शन कंसिडर करनी थी जो हमने कंसिडर कर ली है। एक्चुअली तो पार्टिकल आपके पास एक पॉइंट के फॉर्म में है, फ्लूड पार्टिकल ही है ना, एक छोटा सा पॉइंट है, तो उस पॉइंट पार्टिकल के ऊपर किसी भी डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर की इंटेंसिटी सेम है, प्रेशर एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज सेम फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर प्रेशर किसी भी डायरेक्शन से लगने वाला उस पार्टिकल के ऊपर सेम वैल्यू होल्ड कर रहा है, सेम वैल्यू रख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान दीजिए प्रेशर स्केलर क्वांटिटी बन गया क्योंकि प्रेशर इज नाउ इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, इंपॉर्टेंट प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, यहां से प्रूव भी हो रही है बात, प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी। तो यही पास्कल्स लॉ है, मैं फिर से रिपीट करके लेक्चर को क्लोज कर रहा हूं, प्रेशर इंटेंसिटी एट अ पॉइंट एट अ पार्टिकल फ्लूड पार्टिकल इन द फ्लूड एट रेस्ट इज सेम From all the directions, यही है Pascal's law। तो बहुत important था, मैंने आपको discuss किया point by point, इस चीज को prove भी करके दिखा दिया। मिलते हैं next lecture में जल्दी ही, so thank you, till then take care, have a nice time, thank you very much।